मैंने खुद ने दिया था, मेरा क्रिएटिव राइटिंग का था, मेरा गार्गी कॉलेज में सेंटर पड़ा था, मैं देकर आया था। बकायदा वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है कि आप प्रेजेंट हैं, आप हे अपना गाइस, ट्रायल स्वागत है दे। आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। आज हम इस वीडियो में तीन ऐसे कोटास के बारे में जानेंगे, कोटास कहेंगे या रिजर्वेशन कह लेते हैं हम, जिनके बेसिस पे आप अगर 12th में कम मार्क्स भी हैं तो आपको एडमिशन इजीली मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो उन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे, लाइक स्पोर्ट्स कोटा, वार्ड कोटा और ईसीए कोटा। सो इन तीन कोटास के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जुड़े रह सकें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन पे जो हमारे पास कोटा है वो है वार्ड कोटा। वार्ड कोटा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपके पेरेंट्स अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एज अ फैकल्टी और एज अ टीचर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो आपको ये वाली फैसिलिटी मिलती है जी। इस कोटे के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। आपकी कट ऑफ अलग आती है, जो DU की कट ऑफ होती थी अभी तक, उस कट ऑफ के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है जो वार्ड कोटा की लिस्ट होती है। ठीक है गाइज, तो वार्ड कोटा के लिए अलग से फॉर्म में आपको मेंशन करना होता है कि जब वो DU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होता है उसमें वो पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स DU के टीचर फैकल्टीज हैं या नहीं, तो आपको यस नो और फिर बताना होता है अदर डिटेल्स। ठीक है, तो आपको फिर वार्ड कोटे के थ्रू इस बेसिस पे एडमिशन मिलता है कि अगर आपके पेरेंट्स हैं तो। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटा भी बहुत सिंपल है। स्पोर्ट्स कोटे के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हैं, और आपको जो DU की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है उसके साथ साथ आपको अलग से ₹150 रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, या फिर जिस भी लेवल पे आप स्पोर्ट्स खेलते हुए आ रहे हो, वो आपको अटैच करके स्कैन करके लगाने होते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उसके बाद आपको डेट्स मिलती हैं जिनके बेसिस पे आपका वो ट्रायल होता है। सर्टिफिकेट्स और ट्रायल के मार्क्स अलग अलग काउंट किए जाते हैं। लाइक आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसका वेटेज होगा 40%, और आपके जो ट्रायल्स होंगे उसका वेटेज होगा 60%। तो इन दोनों को मिलाकर 100% बनता है, और फिर आपकी स्पोर्ट्स कैटेगरी की लिस्ट आती है जिसमें आपका जो एडमिशन होता है वो कन्फर्म होता है। ट्रायल में दो स्टेजेस होते हैं, प्रीलिमिनरी और फाइनल लेवल। तो इस टाइप से ये स्पोर्ट्स कोटे का है कि आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भी इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं स्टूडेंट्स, उन सभी को डायरेक्ट एडमिशन देती है, नो ट्रायल। क्योंकि जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है इसमें भी दो तरीके से एडमिशन होता है, पहला डायरेक्ट एडमिशन, दूसरा इनडायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन इंटरनेशनल लेवल पे जो खेल चुके स्टूडेंट्स हैं उनको ही एडमिशन मिलता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका ट्रायल होता है, तो जो भी नेशनल लेवल के हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं उनको ऑफर किया जाता है एडमिशन। तो ये था स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं ईसीए कैटेगरी। ईसीए का गाइज जो स्टैंड करता है ईसीए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो कि आप अगर 11th 12th में जो आप करते हैं उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। तो एडमिशन के टाइम पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको इसके लिए ₹100 एक्स्ट्रा देने होते हैं, जैसे कि हम स्पोर्ट्स कोटे में भी मैंने आपको बताया। तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है एज वेल एज आपको ₹100 एक्स्ट्रा देने होंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, और अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अटैच करके रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सबमिट करने होंगे। जब वो सर्टिफिकेट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो इसमें भी सेम है DU की तरह, जैसे स्पोर्ट्स कोटे की तरह, कि इसमें आपका पहला जो सर्टिफिकेट का मार्क्स होगा, वेटेज होगा, वो होगा 25%, और आपका जो ट्रायल होगा उसका 75% वेटेज होगा। तो आपके जब सर्टिफिकेट स्कैन हो जाएंगे और वेरीफाई हो जाएंगे तब दिल्ली यूनिवर्सिटी एक डेट अनाउंस करती है, नोटिफिकेशन आता है बकायदा, उसमें बताया जाता है कि किस दिन किस स्टूडेंट का ट्रायल कहाँ पर होगा। मैंने खुद ने दिया था, मेरा क्रिएटिव राइटिंग का था, मेरा गार्गी कॉलेज में सेंटर पड़ा था, मैं देकर आया था। बकायदा वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है कि आप प्रेजेंट हैं, आप अपना ट्रायल दे रहे हैं। सो इस टाइप से ईसीए का ट्रायल होता है। ईसीए भी आपके जो ट्रायल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्रीलिमिनरी और फाइनल लेवल।
सो आपको मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए दोनों को मिला के, आपके सर्टिफिकेट का वेटेज और आपका ट्रायल के वेटेज को मिला के। उसके बाद लिस्ट आती है, उस बेसिस पे आपको एडमिशन प्रोवाइड कराया जाता है। आपका अगर लिस्ट में नाम है तो आपको एडमिशन ऑफर किया जाएगा, अदरवाइज अगर आप जो 50% का क्राइटेरिया है उसको भी फेल उसको नहीं फुलफिल कर पा रहे तो आप एलिजिबल नहीं होगे ECA में एडमिशन लेने के लिए। बट आपके 12th के मार्क्स को मिलाकर और आपके ECA के मार्क्स को मिलाकर दोनों को लिस्ट आएगी, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हाई स्कोर किया होगा उनको इजीली एडमिशन मिलता है ECA कैटेगरी के बेसिस पे। तो ये कोटा है जिसके बेसिस पे आप इजीली एडमिशन ले सकते हो, ये तीन टाइप के कोटाज। सो अभी फ़िलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपडेट्स और भी आनी बाकी हैं जिसमें वो बताएंगे कि 50% वेटेज होगा या 100% वेटेज होगा आपका CUSET के ऊपर जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।